रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिखाई गंभीरता। त्योहारों को लेकर मातहतों को अलर्ट करने के साथ ही सभी थानेदारों को पैदल गश्त करने का दिया निर्देश। कहा सीसीटीवी के जरिए अराजक तत्वों पर रखी जाएगी पैनी नजर। त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जनपद में राखी पर्व को देखते हुए मार्केट में मोटू पतलू, डोरेमोन, भगवान हनुमान, भगवान श्री कृष्ण वाली राखी की जमकर हो रही है बिक्री। बच्चों को कार्टून वाली राखी आ रही है खूब पसंद। सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाया हस्त निर्मित राखी, लगाया गया राखी की प्रदर्शनी, लोगों को आ रही खूब पसंद, कर रहे हैं लोग खरीदारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान पर दी जाती है आर्थिक सहायता। सभी किसानों को करवाना चाहिए बीमा। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। ब्लड डोनेशन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सराहनीय पहल की। कहा इमरजेंसी में जरूरतमंद पुलिस को जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल, निःशुल्क पूरी होगी ब्लड की जरूरत। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज परिवहन निगम के द्वारा चलाई जा रही है 200 बसें। महिला यात्रियों के लिए 30 अगस्त व 31 अगस्त की 12 बजे रात तक सभी जगह के लिए यात्रा रहेगी फ्री। 28 अगस्त से 4 सितंबर तक 300 किलोमीटर तक बस चलाने वाले चालक और परिचालक को परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाएगा 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी महेश चंद्र ने दी जानकारी। साइबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में लगातार चलाया जा रहा अभियान। साइबर अपराध से बचाव के लिए साइबर क्राइम की टीम द्वारा स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को साइबर अपराध के प्रति किया जा रहा है जागरूक। में परिवार परामर्श केंद्र अहम जरिया हो रहा साबित। अब तक कुल 801 पारिवारिक मामलों का केंद्र पर कराया जा चुका है रजिस्ट्रेशन। 287 मामलों का किया गया सफल निस्तारण।